हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में। पिछली बार मैंने एक डिजीज के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था ईगल सिंड्रोम, एंड उसके बाद मैं अभी आया हूँ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को लेकर। मैं जस्ट अभी कॉलेज से आया हूँ और अभी मैं तुरंत बैठ चुका हूँ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि टाइम का बहुत सारा कमी हो जाता है। खैर, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा पेन होता है फेशियल एरिया में। अब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ट्राइजेमिनल नर्व क्या होता है। हमारे अंदर जो नर्व्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स, उसमें से एक होता है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के एक्सटेंड्स होते हैं जो आपके फेशियल एरियाज में फैले होते हैं, जिसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नर्व्स एंडिंग्स में या फिर किसी भी तरह की तकलीफ ट्रॉमा के वजह से इंजरी की वजह से हो सकती है, जो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है। अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहली बात आपको इससे समझ सकते हो आप सबसे पहली बात आप इस चीज समझ सकते हो कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का दूसरा नाम है सुसाइडल पेन। जिस व्यक्ति को ये पेन होता है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, इतना ही ज्यादा पेन होता है। मैंने यहां तक सुना है कि कई सारे पेशेंट्स ने अपने लिए ये कहा है कि मुझे मार दो लेकिन इस पेन से मुझे रिलीफ दे दो। आप सोचिए किस हिसाब से पेन हो रहा होगा। कुछ समय के लिए पेन होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा होता है, और दिन में 5 से 10 बार भी हो सकता है। इसका कोई खास कॉज नहीं बताया गया है। इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, टच करने से हो सकता है, किसी भी सेंसेशन से हो सकता है, ज्यादा मिर्च खाने से हो सकता है, स्ट्रेस लेने से हो सकता है। कोई ऐसा कंफर्म रीजन नहीं है। जिस इंसान को बीमारी होती है ये किसी भी चीज से इनिशिएट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। नर्व्स को कंप्रेस होने की वजह से ये पेन एग्रीगेट होता है। अब नर्व कंप्रेस होने की, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी तरह का कारण हो सकता है, लीजन्स हो सकते हैं, अंदर में आपको सिस्ट हो गया है या फिर कोई आपको ट्रॉमा हो चुका है, कुछ भी चीज हो सकती है, आप गेस नहीं कर सकते। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये चीज दिखी जाती है इंसान के फेस से। ट्राइजेमिनल नर्व के पास अगर है तो स्वेलिंग की वजह से हो जाता है। अब बात करते हैं होगा किसमें। वुमेन्स, औरतों में ज्यादा देखा जाता है कंपेयर टू मेल। और वहीं अगर मैं बात करूं तो एल्डरली एज पेशेंट्स में ये दिखता है। एल्डरली एज पेशेंट्स का मतलब जिसका एज थोड़ा ज्यादा है, 50, 60, 40, इस हिसाब से लोगों में। अब हम बात करते हैं इसमें पेन किस टाइप का होता है। बहुत ही ज्यादा पेन होता है, शार्प एंड लेंसिनेटिंग टाइप की पेन होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शार्प लेंसिनेटिंग मतलब कि आपके अंदर कोई कुछ बहुत ही जोर से चुभ रहा है, इस तरह का पेन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेंसरी डिवीजन, जिस एरिया तक नर्व फैला हुआ है ट्राइजेमिनल नर्व, उस पूरे एरिया में आपको पेन एग्रीगेट हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई का ही। और कुछ बेसिकली इसे मिस्ड डायग्नोस कर जाते हैं डेंटल पेन की वजह से, दांतों के दर्द से इसे मिस मतलब डायग्नोस हो जाता है। लोगों को लगता है कि दांतों की वजह से हो रहा है या फिर डेंटल पेन है, बट ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है। अब बात करते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो, ऐसा कोई खास ट्रीटमेंट तो नहीं है, दो तरह के ट्रीटमेंट मेन है। एक तो है आपका मेडिकेशन, दूसरा सर्जरी। ज्यादातर लोग मेडिकेशन प्रिफर करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के सजेशन में सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। मेडिकेशन की बात करते हैं तो इसमें एंटी कन्वल्सेंट देते हैं, एंटी डिप्रेशेंट अपन दे सकते हैं। कुछ दवाइयों के नाम इस प्रकार हैं, कार्बेजेपीन, फिंटोइन, इस तरह की चीजें। एंड अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी में 2 पुराने तरीके हैं और एक अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहला तरीका है सेक्शनिंग ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सेक्शनिंग ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का मतलब है कि ट्राइजेमिनल नर्व को हम काट के हटा देते हैं, जहां पे पेन हो रहा है, जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, उस जगह से हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड, फिनोल एंड अल्कोहल के इंजेक्शन दिए जाते हैं। एंड थर्ड, जो सबसे ज्यादा नया आया हुआ है, वो है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन सर्जरी। और इसका साथ देने के लिए एक और टेक्निक हमारे पास है, वो है गामा रेडियो सर्जरी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थोड़ा सा डिस्कशन था ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में, इसको सुसाइडल पेन भी बोलते हैं, और ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे सब्सक्रिप्शन के बाद आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो किसी भी डिजीज या किसी भी मेडिकल टर्म से रिलेटेड होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।